Hello everyone. Today we will start the number theory. And what will be our topic? Divisibility mainly. Okay. इसमें हम चेक करेंगे कि अगर 2 के लिए चेक करना है तो क्या आएगा, 3 के लिए क्या आएगा, 5 के लिए क्या आएगा, 7, 11. आपने इनके डायरेक्ट फॉर्मूले याद किए होंगे कि 2 के लिए अगर कोई नंबर है उसकी लास्ट डिजिट इवन है तो हो जाएगा, 3 के लिए उनका टोटल सम. अब हम चेक करेंगे कि मैथमेटिक्स में कैसे ड्राइव होते हैं, कि मैथमेटिक्स में कोई भी फॉर्मूला एवें नहीं आता, कोई शॉर्टकट एवें नहीं आता, उसके पीछे पूरी थ्योरी होती है. तो कैसे चेक करेंगे? फर्स्ट थिंग, आप सेट ऑफ इंटीजर्स को किससे रिप्रेजेंट करते हो? जेड से. और इस जेड का मीनिंग क्या है, कहां से ड्राइव हुआ है? जेलन. ठीक है, इट इज ए जर्मन वर्ड, ये यहां से आया है. ठीक है, जेड आप इनको जे, इन सब से भी डिनोट करते हो सेट ऑफ इंटीजर्स को. नाउ अब आपने पढ़ा है कि कोई भी नंबर है मान लो एन, उसको हम कैसे लिख सकते हैं. जैसे ये वो नंबर है, ये उसकी डिजिट है, इसको आप रिवर्स में लिख लो. जैसे ए, ए एन, एक मिनट सॉरी, आप उसको कैसे लिख सकते हैं, ए एन, ए एन माइनस वन, ये उसके डिजिट है, ए थ्री, ए टू, ए वन और ए नॉट. ये कोई नंबर है? यहां पे क्या है, आपको पता होगा कि इस नंबर को अगर उसमें फॉर्म में लिखना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में, तो इसको कैसे लिखते हैं अगर उल्टा करें तो, ए नॉट इंटू 10^0 प्लस ए वन इंटू 10^1 प्लस दिस दिस दिस, मीनिंग यहाँ पे जितना है उतनी ही 10^. इसका एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हो, मान लो 4^3^5 को लिखना है तो 4^3^5 कैसे आएगा, एक तो ऐसे आएगा, सॉरी 2^1^0. ठीक है, ये भी सेम ही होगा. तो इस नंबर को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अब इस नंबर को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो आपको समेशन की फॉर्म में लिख लेते हैं इसको. कैसे लिखेंगे? आई इज इक्वल टू 0 to n ए आई 10^i. डन. नाउ हमें चेक करनी है डिविजिबिलिटी. तो 10^ अगर i है, कुछ भी पावर है, तो उसको हम क्या लिखेंगे, 999 कितनी टाइम्स, i टाइम्स. ये कहां से आया, ये कहां से आया, क्योंकि अगर 100 है तो 100 को क्या लिख सकते हैं हम, मीनिंग 10^100 को क्या लिख सकते हैं, 99+1, मीनिंग यहां पे पावर कितनी है, 2, 2 जीरोस, 2 9. ओके, 10^ i, i टाइम्स 9+1. ये समझ में आ गया 10^ i को कैसे लिखेंगे. अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 9 कॉमन ले लिया, 1 1 1 i टाइम्स प्लस 1. अब देखो ये पूरा क्या है, मल्टीपल ऑफ n, मल्टीपल ऑफ 9. तो इसको हम डिनोट करेंगे m ऑफ 9 से प्लस 1. हमने डिनोट किया तो 10^ i किसके इक्वल हो गया, मल्टीपल ऑफ 9+1. इतना समझ में आ गया.
सो देयर फोर हमने ऊपर जो एन नंबर लिया था उसको हम क्या लिखा था हमने, देखो आप ऊपर एन को क्या लिखा था हमने, एन को लिखा था हमने समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 0 to n ए आई इंटू 10 raised to power आई, यही लिखा था। हाँ यही लिखा था। देखो ये रहा ना ये रहा ए आई 10 raised to power आई, यही लिखा था। और ए 10 raised to power i की वैल्यू हमने क्या निकाल ली यहाँ पे, ये देखो 10 raised to power i की वैल्यू हमने निकाल ली m9 i इज इक्वल टू 0 to n ए आई m ऑफ मल्टीपल ऑफ 9 प्लस 1, डन। अब इसमें कोई भी i की टर्म में नहीं है तो हम m9 को बाहर निकाल लेंगे। ओके प्लस वन की जगह इसको आप कब डिटेल में लिखो इसको, चलो हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया। अब ये मल्टीपल ऑफ 9 है, इसकी मल्टीप्लाई में कुछ भी करो तो पूरा कंप्लीट ये भी मल्टीपल ऑफ 9 ही होगा ना, ये 9 into something है ये टर्म, तो ये भी ये कंप्लीट भी तो 9 into something होगी प्लस दिस टर्म, देन ये था हमारा 9। तो हमारी एन की वैल्यू क्या आ गई दिस। अब देखो अब हमें इसकी डिविजिबिलिटी अगर चेक करनी है, मान लो 3 से या 9 से चेक करते हैं पहले, तो ये मल्टीपल ऑफ 9 है प्लस समथिंग है। अगर हम चेक करते हैं कि हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, वे एन इज डिवाइडेड बाय 9, 9 से डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू हमारी मल्टीपल ऑफ 9 है वो तो डिवाइड हो जाएगी प्लस दिस, तो ये हमारा बच जाएगा। तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, सम ऑफ आई इज इक्वल टू 0 to n ए आई, ये हमारा क्या आएगा रिमाइंडर आएगा। अगर ये रिमाइंडर भी 9 से ज्यादा है तो हम इसको 9 से डिवाइड करेंगे, इसका मतलब क्या है कि हम ए आई क्या थी टर्म्स थी उनका क्या लेंगे, सम लेंगे, सम ऑफ ऑल टर्म्स, उसको क्या करेंगे हम उस सम को 9 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर वो सम हमारा 9 से डिवाइड होके हो जाता है तो हमारा कंप्लीट डिवाइडेड है, अगर डिवाइड नहीं होता और कुछ रिमाइंडर आता है तो दैट विल बी द रिमाइंडर। सिमिलरली हमने एन को क्या लिख लिया, मल्टीपल ऑफ 9 प्लस 9, दिस इज आई इज इक्वल टू 0 to n ए आई। अब कोई मल्टीपल ऑफ 9 है, मान लो ये मल्टीपल ऑफ 9 है, तो इस 9 को भी तो 3 into 3 into 8 लिख सकते हैं, तो ये मल्टीपल ऑफ 3 भी तो हो गया, ये 3 into 24 हो गया ना, तो मल्टीपल ऑफ भी तो 3 हो गया, तो देयर फोर दिस इज ऑल्सो इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 3 प्लस समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 0 to n ए। अब इसका रिमाइंडर चेक करना है व्हेन एन डिवाइडेड एन इज डिवाइडेड बाय 3, तो एन को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये टर्म तो 0 हो जाएगी, बचेगी ये टर्म, क्योंकि दिस टर्म प्लस दिस टर्म है ना, तो जो बचा वो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। अगर ये 3 से ज्यादा है तो इसके समेशन जो टर्म्स है हमारी, सम ऑफ ऑल टर्म्स टर्म्स या डिजिट्स, सॉरी
सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ द नंबर, इसको चेक करेंगे हम। थ्री से डिविजिबिलिटी के लिए क्या चेक करेंगे हम? सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ द नंबर। नाउ वी विल डू द एग्जांपल ऑफ दिस। नाउ चेक दिस नंबर 1 2 3 4 5 7 8 9 2। ओके चेक दिस, इट इज डि सो व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन वी डिवाइड दिस नंबर बाय 9। ओके नाउ दिस इज 1 2 3 4, तो 4, 1 प्लस 2 3 3 3 6, 6 प्लस 4 10, तो 9 से ज्यादा है। तो यहां तक 10 को डिवाइड करेंगे 9 से तो क्या आएगा? 1 रिमाइंडर। नाउ 5 प्लस 1 6, और यू कैन चेक इट लाइक दैट। अब इसको 1 ट्रीट कर लो, इस पूरे नंबर को, ठीक है? 1 प्लस 5 6 13, 13 को अगर 9 से डिवाइड करें कितना आएगा? 4। इस पूरे नंबर को क्या कर लो? 4। 4 प्लस 8 12, 12 प्लस 9 21, +2 23, 23 को 9 से डिवाइड करो कितना आएगा? 5। तो इसका रिमाइंडर क्या होगा? 5। सो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 5। और अगर यहां आता 4, इफ दिस नंबर वाज लाइक दैट, क्या आता 4, तो यहां तक क्या आया था? 5 प्लस 4 क्या हो जाता? 9। और 9 का रिमाइंडर क्या आता? 0। तो ये कंप्लीट नंबर क्या हो जाता है? डिविजिबल बाय 9। नाउ हमने चेक किया था ऊपर की m9 प्लस दिस i की वैल्यू कहां से? 0 से n तक। ये 3 का मल्टीपल भी होगा अगर 9 का, क्योंकि 9 की वैल्यू को कैसे 3 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख सकते हैं। तो इसमें भी सेम प्रोसेस लगेगा अगर किसी नंबर को 3 से चेक करना है। तो इसमें एक आप जैसे इसको सेम नंबर को आप 3 से ऐसे सिमिलर चेक कर सकते हो, जैसे 1 2 5 7 9 1 2 7 5। अगर आप इस नंबर को चेक करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0। कैसे? 5 2 7 प्लस 8, 8 को 3 से करेंगे कितना आएगा? 2 7 2 9 0, 9 भी 0, 1 प्लस 2 ये भी 0। 7 को क्या लिख सकते हैं? 1। और 5 प्लस 1 6, 6 भी क्या आएगा? 0। तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा? 0। दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3। और इसमें कुछ ऐसे आगे करते हैं, ये हो गया 3। अब सेकंड हम करेंगे डिविजिबिलिटी किसके लिए चेक, और बताओ आप किसके लिए चेक करें? चलो 2 के लिए चेक करते हैं। नाउ हमने n को क्या लिखा था ऊपर? समेशन ऑफ ए आई इंटू 10 रेज टू पावर i, इज इक्वल टू 0 टू n। ये आप इसे चेक कर लीजिए, हमने चेक ये लिखा था कि n को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर n को इस फॉर्म में लिख सकते हैं तो आप इसको देखो, ए नोट अलग कर लो, प्लस इसको 1 से अलग कर लो। तो अब जो बाकी टर्म आएंगे उसमें सब में 10 की पावर 1 से आएगी, ए वन इंटू 10 प्लस ए वन इंटू 10 स्क्वेयर। तो इन सब के बाहर क्या है? 10 कॉमन लिया जा सकता है, ठीक है? तो 10 कॉमन लिया जा सकता है, ये किसका? तो दिस टर्म इज मल्टीपल ऑफ 10। आ गया समझ में? क्योंकि यहाँ पे i की वैल्यू कहां से होगी? 1 से होगी, 0 वाली टर्म को हमने अलग कर लिया। अगर ये मल्टीपल ऑफ 10 है तो 10 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 5, तो ये मल्टीपल ऑफ 2 भी होगा, ये मल्टीपल ऑफ 5 भी होगा, बोथ। आगे तो हमने n को इस फॉर्म में लिख लिया, ये दो फॉर्म बना लिए हमने। इस फॉर्म को दे दिया a नंबर, दे रही हूँ बी।
अब देखो, अगर हमें इसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है 2 से, तो क्या हुआ उसका मतलब? उसका मतलब ये हुआ कि लास्ट ये नंबर अगर इसको करेंगे तो 0 रिमेंड रहेगा क्योंकि मल्टीपल ऑफ 2 है। बस लास्ट जो टर्म होगी हम, क्योंकि हमारा नंबर क्या था, ऐसे था ना, an -1, दिस हमने डिजिट्स ऐसे लिखी थी, जो लास्ट डिजिट होगी उसको चेक करना है कि वो 2 है या 2 से कम है, क्योंकि ये तो कंप्लीट डिविजिबल हो गया, कोई भी नंबर है वो 2 की मल्टीप्लाई में होगा, लास्ट डिजिट बच गई। सो देयरफॉर अगर 2 क्या चेक करनी है, 2 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो हमने क्या देखना है, लास्ट डिजिट को देखना है। अगर लास्ट डिजिट डिविजिबल बाय 2 है तो देन नंबर इज डिविजिबल बाय 2। सिमिलरली विद 5, ठीक है, 5 में भी ये नंबर बाकी डिविजिबल बाय 5 हो गया, बच गया क्या, ए नोट। तो लास्ट 5 के लिए भी हमें क्या चेक करना है, लास्ट डिजिट। 2 से नंबर होने वाली लास्ट डिजिट कौन कौन सी होंगी, जो 2 के मल्टीपल में होंगी इस टाइप से, और 5 से डिवाइड होने वाली डिजिट्स कौन सी होंगी, 5 0 5 0, यही होंगी ना लास्ट डिजिट। तो यहां से ड्राइव होता है कि हम 2 के लिए क्यों लास्ट डिजिट ही चेक करते हैं, 5 के लिए क्यों 5 0 वाली टर्म से चेक करते हैं। आ गया आपको समझ में अब ये तो? और अब हमें चेक करना है कि कोई नंबर 100 से कैसे डिविजिबल होगा, 1000 से कैसे होगा, मीनिंग 10 की पावर एनीथिंग, मीनिंग 10 की पावर एनीथिंग, 2 की पावर के से के, एनीथिंग को हमने के मान लिया, तो 2 की पावर कुछ भी हो वो नंबर उससे डिविजिबल होगा या नहीं होगा, 5 की पावर कुछ भी हो वो नंबर उससे डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए हम, मान लो हमें चेक करना है के की वैल्यू 2, मतलब कोई नंबर 10 स्क्वेयर मीनिंग 100 से डिविजिबल है या नहीं है, और 100 को क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वेयर से डिविजिबल है या नहीं है, या 5 स्क्वेयर से डिविजिबल है या नहीं, मीनिंग 4 से या 25 से, हमें ये चेक करना है। 4 4 से चेक करना, तो 2 का स्क्वेयर हो गया, 2 का स्क्वेयर हो गया, तो इस टाइप से, तो जिसमें 4 या 25 हो, फिर 8 या 125 हो, मीनिंग दिस इज 2 क्यूब, दिस इज 5 क्यूब। 2 के लिए कैसे चेक, मान लो 4 के लिए कैसे चेक करेंगे, 4 के लिए, 4 के लिए हमें डायरेक्ट क्या होता है कि लास्ट 2 डिजिट चेक करनी होती है। ये कहां से आया, ये फॉर्मूला कहां से आया, एन को हम 100 वाली फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं, अब तक हम क्या लिख रहे थे, 10 वाली फॉर्म में, तो 100 वाली फॉर्म में क्या होगा, हम लास्ट की 2 डिजिट्स अलग कर लेंगे, ये आपको समझ आ गया, ऊपर हम सिर्फ 10 ले रहे थे तो 1 डिजिट अलग थी, ठीक है, अब यहाँ पे 2 डिजिट अलग होगी। 100 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वेयर इंटू, सॉरी, 5 का स्क्वेयर, तो अगर ये इसका भी मल्टीपल होगा, दोनों का मल्टीपल है, तो 2 स्क्वेयर का भी होगा और ये 5 स्क्वेयर का भी होगा, ये दोनों आपको समझ में आ गए, तो ऐसे चेक करना है। तो 2 के स्क्वेयर में क्या करेंगे, अगर 4 से चेक करना है तो लास्ट 2 डिजिट, 25 से चेक करना है तो लास्ट 2 डिजिट। अब अगर ये के की फॉर्म में हो, मान लो हमें कोई भी पावर हो, तो 10 रेज टू पावर के, और यहाँ पे बाहर कितने एलिमेंट्स को मिलेंगे, अगर यहाँ पे स्क्वेयर है तो 2 एलिमेंट, तो यहाँ पे भी कितने के डिजिट्स को अलग कर लेंगे, तो के डिजिट्स कहाँ तक होंगी, ये k-1 तक होंगी, क्योंकि ये ए नोट से शुरू होता है, तो ये 2k भी चेक कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, अगर 2 की पावर k से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो मैं यहाँ k टर्म्स, लास्ट की k डिजिट्स को चेक करना पड़ेगा, ये क्या है, लास्ट k डिजिट्स या k नंबर ऑफ डिजिट्स, और 5 की पावर k को भी सिमिलर।
ये हमने चेक कर लिया। नाउ आगे बढ़ते हैं, आगे हमें चेक करनी है डिविजिबिलिटी बाय 7। नॉर्मली हम प्राइम से चेक करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 7। 7 की एक सीरीज सी आती है, आप चलो कोई नहीं, आप यहां से कर लो, कंप्लीट कर लेंगे। हमारे पास मान लो नंबर दिया हुआ है ए नॉट, ए वन, ए टू, ए थ्री, ए फोर, फाइव, ए सिक्स, ए सेवन। ये कोई नंबर है, ये उसकी डिजिट्स हैं, ठीक है। इसको करते हैं, ये क्या है ए नोट, तो इस नंबर को कैसे लिखेंगे हम, ए नोट मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस ए 1 इंटू 10 की पावर 1 प्लस ए 2 इंटू 10 की पावर 2 प्लस दिस दिस दिस, ऐसे लिखेंगे ना, ए 7 इंटू 10 की पावर 7 प्लस, ये नंबर होगा। अब इस टर्म को तो ऐसे ही रहने दो, अब इसमें करो A1 डिजिट आ गई, 10 को हम किस में चेंज कर सकते हैं, 10 को हम मान लो 10 को क्या लिख सकते हैं, A1 इंटू 10 को A1 इंटू 7 प्लस 3 विच इज इक्वल टू A1 इंटू 7 प्लस A1 इंटू 3। ये A1 इंटू 7 आ गया, तो दिस नंबर इज मल्टीपल ऑफ 7, तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 0। तो अब हमें चेक क्या करना है, बस 3A1, तो ये किस में कन्वर्ट होगी, A1 इंटू 3 में, ठीक है। तो यहाँ पे ए नोट की मल्टीप्लाई में क्या है 1, यहाँ पे क्या आ गया 3। अब A2 की मल्टीप्लाई में क्या है 10 का स्क्वेयर। अब मान लो A2 इंटू 10 स्क्वेयर, इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, A2 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 7 प्लस 3, स्क्वेयर में तो 10 इंटू 10। अब A2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साथ करेंगे, तो ये जो टर्म है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 3 में, ये भी 3 में, क्योंकि 7 के साथ मल्टीप्लाई में ना, तो 7 के से डिवाइड करेंगे तो 0 0 होते चले जाएंगे। अब ये क्या हो गया 9A2, और 9 को 7 से डिवाइड करें क्या आएगा हमारा, 2, 2 रिमाइंडर आएगा ना 9 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो 2। तो A2 की मल्टीप्लाई में हमें क्या करना है, 2। तो ये अभी यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करना है, 2, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे ही आप A3 का निकालोगे, A3 का निकालोगे तो क्या आएगा, -1, यहाँ क्या आएगा -3, यहाँ क्या आएगा -2, फिर 1, फिर 3, तो ऐसे सीरीज बन जाएगी ये, किस टाइप की सीरीज बन जाएगी, 1 3 2, -1 -3 -2, 1 3 2, सो। तो आपने 7 के लिए क्या होगा, तो 7 के लिए क्या करते हैं, हम डिजिट्स को ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, ए नोट को 1 के साथ करेंगे, ए 2 को 3 के साथ, सॉरी ए 1 को 3 के साथ, ए 2 को 2 के साथ, फिर ए 3 को -1 के साथ, एंड सो ऑन, जहां तक लास्ट डिजिट है वहां तक चलते जाएंगे ऑल्टरनेटिव, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव फिर पॉजिटिव, और जो सम आएगा उसकी डिविजिब उसको 7 से डिवाइड करके देखें, उसको 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा उसके सम को। ये ऐसे होता है, 7 का हम ऐसे निकालते हैं। इसमें ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, मान लो हमारे पास क्वेश्चन आ गया 2 2 2 2, इसको चेक करना है कि डिविजिबल होगा या नहीं होगा 7 से, तो आप देखो 3 का पेयर्स बन रहा है यहाँ पे, इसके साथ पॉजिटिव में 1 3 2 मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ नेगेटिव में, तो प्लस माइनस होके कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये 0, तो इसका रिमाइंडर 0 आएगा। तो जो 3 की पेयर में जो नंबर आएंगे सेम, वो सारे डिविजिबल बाय 7 होंगे। मान लो अब आपको इसमें कोई इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन देते हैं, जैसे कि ये दे दिया 3 4 3 3 5 2, ये नंबर है, तो इसको आपको चेक क्या करनी है, 7 के यहाँ पे चेक करना है
डिविजिबिलिटी बाय सेवन, सेवन की डिविजिबिलिटी चेक करनी कि रिमाइंडर क्या है। तो आप इसको कन्वर्ट कर लो थ्री के पीएस में, कैसे इसको कन्वर्ट कर लो, 3 4 3 प्लस 9, ये नंबर है, तीन तीन का पेयर है, तो इससे क्या आएगा रिमाइंडर, जीरो, बच गया क्या, नाइन। नाइन को सेवन से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा रिमाइंडर, टू। तो इसका आंसर है टू, इसका रिमाइंडर क्या आएगा, टू। दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय सेवन, रिमाइंडर क्या आया, टू। इसमें अगर टू और ऐड कर देंगे, सॉरी, इसमें अगर सेवन और ऐड कर देंगे तो डिविजिबल बाय टू हो जाएगा, या माइनस टू कर देंगे। अब सिमिलरली आप चेक कर सकते हो, हमें अगर डिविजिबिलिटी बाय 11 की चेक करनी है, 11 की डिविजिबिलिटी, तो 11 कॉपी आप कन्वर्ट कर सकते हो। 11 के लिए कैसे कन्वर्ट कर सकते हो आप, अभी हमने आपको तरीका बता दिया ना, जैसे एन को हम कैसे लिख सकते हैं, एन ए आई, आई इज इक्वल टू 0 to n into 10 raised to power i। अगर 10 की पावर इवन है, मीनिंग 10 square 10 4 10 6, ठीक है, तो क्या होगा, 10 की पावर 2n लिख सकते हैं। अगर 10 की पावर 2n है तो इसको 11 माइनस n रेस्ट पावर 11 माइनस 1। अब ये देखो, इसकी पावर इवन है तो इसको मल्टीप्लाई करते रहेंगे करते रहेंगे, अगर आप बाइनोमियल लगाओगे तो ये किस टाइप से आएगा, ये आएगा सारी टर्म 11 की मल्टीपल प्लस 1। जैसे आप करते हो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, सॉरी, आप ए माइनस बी का होल स्क्वायर करते हो तो क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ, आप इसको लिखो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसे लिखते हो। तो ये जो सेकंड टर्म है ये इधर आ जाती है, फर्स्ट टर्म इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये भी मल्टीपल ऑफ ए है, ये भी मल्टीपल ऑफ ए। तो जैसे ये फर्स्ट टर्म है तो फर्स्ट टर्म इसके साथ भी आएगी, और जो दोनों की मल्टीप्लाई होगी उसमें भी आएगी, तो ये पहली सारी टर्म आएंगी मल्टीपल ऑफ वन, बस लास्ट की ये टर्म बचेगी, ठीक है, जो सिंगुलर आएगी। आप इसको एक्सपेंड करोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो क्या हुआ, ये 10 की पावर अगर इवन है तो मल्टीपल ऑफ 11 प्लस 1 आ गया, तो इसका रिमाइंडर 0 तो 1। तो जितने भी इवन पावर हैं इसमें, उनमें क्या है, 1 से 1 बचेगा हमारे पास, मतलब उसमें 10। चलो आगे बताए, अगर 10 की पावर ओड है तो क्या होगा, 10 की पावर 2n प्लस 1, 11 माइनस 1, 2n प्लस 1। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम करेंगे, अगर ओड में चेक करते हैं तो लास्ट में माइनस वन आता है, आप फॉर्मूला लगा के देख लेना, ए माइनस बी का क्यूब, तो इसमें सारी टर्म्स आएंगी, जो लास्ट में आएगा वो बी माइनस बी क्यूब आएगा, तो माइनस की टर्म आएगी, बाकी सब ए के मल्टीपल में आएंगे। आप इसको चेक कर सकते हो, कोई वो बड़ी चीज नहीं है फॉर्मूला लगाना। तो 10 की पावर ओड है तो ये m11 माइनस 1 आ गया, तो इसका रिमाइंडर 0 और -1 बचता है। अब देखो, हमारे पास नंबर था a0 into 10 की 0 plus a1 into 10 plus a2 into 10 square plus a3 into 10 cube and so on। तो इवन इवन ओड, तो ये तो 1 हो गया मान लो, तो a0 into 1 प्लस ओड है 1, a0 into -1, इवन 1, ओड -1, दिस। तो क्या आ गया, a0 minus a1 plus a2 minus a3 plus a4 so on minus a5। तो हमें क्या करना है, जो डिजिट लास्ट में है, मान लो हमारा नंबर है दिस 5 4 3 2 1, ये हमारे नंबर है, नंबर के डिजिट्स हैं, नंबर कुछ भी हो, इसको आप नंबर ले लो,
अरे कुछ भी ले लो, 5 6 8 7 5 4 3, तो इसको प्लस माइनस प्लस माइनस मतलब बनो, तो 3 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 5, ये हो गया। इनको आप ऐड करो कितना आएगा, 8 16 21। बाकी सबको ऐड कर लो, 6 और 17 13, 13 प्लस 4 17, ये सब आएंगे माइनस का 17, तो 21 माइनस ये हमारा हो गया ना, 21 माइनस 17 कितना आ गया, 4, 4 इज रिमाइंडर, व्हेन डिवाइड बाय 11, सो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 11 क्योंकि रिमाइंडर क्या आ गया, 4। सिमिलर पैटर्न पे आप 13 का निकाल सकते हो, 13 की डिविजिबिलिटी अगर आपको चेक करनी है, तो 13 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक कर सकते हैं, 10 को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, 13 माइनस 3, 13 माइनस 3 कितना रह गया, इसको 13 से डिवाइड करेंगे, 0 माइनस 3, 10 स्क्वेयर किस में कन्वर्ट करोगे आप, 13 माइनस 3 इंटू 13 माइनस 3, -3 इंटू -3, ये क्या हो गया, प्लस का 9। ओके और प्लस के 9 को आप क्या लिख सकते हो, अगर 13 से डिवाइड करोगे, माइनस का 4, ऐसे 10 क्यूब, 10 क्यूब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 12 में, 12 को क्या लिख सकते हो, -1, और 10 की पावर 4 निकालोगे, 10 की पावर 4 आएगा 3, तो साइन चेंज हो गया देखो। तो ऐसे ही सबका साइकिल बनता है, इसका साइकिल क्या बना, -3 -4 एंड -1, देन क्या आएगा, 3 4 1, अगेन -3 -4 एंड -1, ये ऐसे साइकिल बनेगा, इसको ए नोट के साथ, इसको ए वन के साथ, इसको ए 3 ए 4 ए 5, आप ऐसे सबका सम करोगे, चेक कर लोगे, जो रिमाइंडर आएगा, अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो डिविजिबल है, अगर रिमाइंडर नहीं है आ गया कुछ तो नॉन डिविजिबल। ये था सिंपल सा डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट। आप क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, कंस्ट्रक्ट द साइकिल ऑफ 17 एंड 19। ओके डन, थैंक यू।